नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सारे दोस्तों को, और जो भी लोग आज मेरे YouTube के माध्यम से जो भी लोग जुड़े उनको मेरा मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो है लाइट मीटरिंग यूजिंग सिकोनिक, मतलब के लाइट मीटर को कैसे यूज करना है, सिकोनिक कंपनी का जो लाइट मीटर था उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या फायदा है, उसके बारे में हम लोग जो है आज का और कौन कौन से विषय पे हम लोग जो है बात कर सकते हैं जब तक हमारे सर जो है जुड़ते हैं उनसे बात कर रहे हैं। धनंजय मोरे सर जुड़ चुके हैं। जैसे अमित स्टूडियो पटना ने अभी यहाँ पर मैसेज किया है मुझे कि सर अब PDF अपलोड नहीं किया। अमित जी आपने मेरे पीछे आगे वाली वीडियो नहीं देखी है इसलिए। तो धनंजय मोरे सर वेलकम सर, नमस्कार। और भारत के बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टेक्निकली सुपर साउंड, और जिनको हम लोग ने भी बहुत सारी चीजें उनके देखी, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। तो आज हमारे साथ है धनंजय मोरे सर, जो है हमें आज बहुत ही एक अजीब, मतलब कि आज कल के जनरेशन के लिए खास करके ये नया सब्जेक्ट है लाइट मीटर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या होता है, क्या यूजफुल होता है। तो धनंजय सर आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है सर मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सर। सर मेरे बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर ऐसे है जो मतलब जो फैशन शूट नहीं करते, तो ज्यादातर उनको पता नहीं होता कि ये लाइट मीटर क्या है, उसका क्या फायदा होता है और उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। सर इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, प्लीज सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, सबसे पहले ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लगता है कि मीटर की क्या जरूरत है। मेरे पास अभी लेटेस्ट कैमरा है, लेटेस्ट फ्लैश है, ये दोनों चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। ऑन कैमरा फ्लैश यूज करके मैं शूट करता हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मल ये रहता है। बट सही बात है, शादियों में बेसिकली तीन चीजें होती हैं अपनी जो इंडियन शादियां हैं उसमें तीन टाइप के फोटोज होते हैं अपने एल्बम में। एक तो विधि के होते हैं, सही बात है। एक होते हैं पोर्ट्रेट्स होते हैं, सही बात है। कुछ रिसेप्शन के होते हैं, सही है, और कुछ फंक्शंस आपके विदाई के और इसके वगैरह, वरमाला और ये आउटडोर वगैरह। जी सर, ये बेसिक अपना सीक्वेंस रहता है, ये अपने एल्बम में यही कंटेंट रहेगा। जी सर, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिसेप्शन में। रिसेप्शन में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, अपना एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर 20-25 लोग जमा हो जाएंगे। सही बात है, कपल बीच में होगा और लाइन में सब लग जाते हैं। सही बात है। फोटोग्राफर क्या करेगा, फोटोग्राफर को एक लाइट राइट पे लगाएगा, एक लाइट लेफ्ट पे लगा देगा। जी सर, अगर हैलोजन है तो हैलोजन पे काम करेगा। सही बात है, ये हमारा नॉर्मल चीज होता है। जी अब ज्यादातर इसमें क्या होता है, अगर बाय चांस दो लेयर आ गए लोगों के, हाँ, यानी कुछ सामने बैठे और कुछ पीछे आए, पीछे खड़े हो, जी सर, तो सिर्फ दो लेयर्स, तो जो आपने लाइटिंग आपका फर्स्ट लेयर पे जो लोग होते हैं उनको जो होता है और जो पीछे होते हैं उनके, उन दोनों में लाइटिंग का फर्क हो जाता है। सही बात है, सही। तो ये एक बेसिक चीज होती है, और ये हमें करेक्ट कैसे करना है, ये आपका बिल्ट इन फ्लैश वगैरह कुछ नहीं अलाउ भी नहीं करेगा आपको कुछ भी करने के लिए। सही बात है, ये एक चीज होता है, यानी उधर आपका लाइटिंग और लाइटिंग का नॉलेज आ गया। दो लाइट्स आपने रखे, बीच में डार्क है, भले एक लाइन में भी लोग होंगे खड़े, सही बात है, बट सेंटर पर लाइट कभी कभी नहीं पहुंचती है, सही बात बीच में नहीं पहुंचती है। सही बात है, तो ये सब आपको लाइट बीच में कितनी पहुंच रही है, साइड में कितनी जा रही है, फॉल ऑफ जो लाइट का बोलते हैं हम लोग, वो कितना हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। सही बात, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो हमारे रिसेप्शन के फोटोज में होता है। दूसरा होता है जब हम पोर्ट्रेट शूट करने के लिए जाते हैं शादी के टाइम पे, पोर्ट्रेट्स के लिए वर वधु आपको 15-20 मिनट मुश्किल से मुश्किल में देंगे। सही बात है, 100% सही। और वो 15-20 मिनट में लड़के वाला वालों का भी फोटोग्राफर शूट करेगा और लड़कियों वालों का भी शूट करेगा। सही बात है, मतलब लिमिटेड टाइम में दोनों साइड से क्लिक करना है।
दोनों साइड से आपको क्लिक करना है, तो उसमें आप ट्रायल एंड एरर नाम का जो चीज है वो कुछ करने वाले नहीं हो। सही बात है, समय नहीं मिलेगा, वो समय ही नहीं है। दूसरा चीज है जो आपको फोटोज जो आपके एल्बम में एनलार्ज्ड होंगे वो कौन से होने वाले हैं, वो यही होंगे मेनली पोर्ट्रेट। सही बात है, मेनली पोर्ट्रेट्स। तो अगर आप पोर्ट्रेट्स पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाए, आपको चलो मैं बहुत ये करता हूं कि आधा घंटा आपको मिला, 15 मिनट के टाइम में जो आपको 15 मिनट का ये आप लाइटिंग का सेटअप करोगे, ट्रायल टेस्ट करोगे जी सर, या क्या करोगे आप? सही बात है, तो आपको उसके लिए टाइम ही नहीं है। तो जो लोगों को लगता है कि बाबा मैं बहुत ये कर सकता हूं, तो फिर एंड में क्या हो जाता है, एक के लाइटिंग के सेटअप में दोनों लोग शूट कर लेते हैं, दोनों शूट कर लेते हैं। सही बात है। अब अगर बाय चांस दूसरे फोटोग्राफर का लाइटिंग का सेटअप अच्छा है तो आप लकी हो, बट एंड में क्या होने वाला है, दोनों एल्बम्स में जो पोर्ट्रेट्स है वो लगभग वैसे ही दिखेंगे, लाइटिंग तो वैसे ही रहेगी। सही बात है, दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, मतलब दोनों में कुछ जो भी फोटोग्राफर क्रिएटिव है उसकी कुछ क्रिएटिविटी दिखा नहीं सकता, ये अपनी सोच नहीं बता सकता वहां पर। एग्जैक्टली, तो वो गया आपका। तो यानी जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे जो मेन चीजें हैं, रिसेप्शन के भी फोटोज में आपको प्रॉब्लम हो गया जी सर, पोर्ट्रेट्स में भी आपको प्रॉब्लम हो गया जी सर। अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं? प्लीज सर, प्लीज प्लीज, यू कैन, यू कैन। एक सेकंड, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं तो मैं देखता हूं, एक सेकंड मेरा जी सर, आप उसको ढूंढिए। दोस्तों सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि ज्यादातर फोटोग्राफरों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मैं कौन सा एपर्चर रखूं, कौन सा आईएसओ रखूं, क्या करूं, इमीडिएटली समझ में नहीं आता है। जैसे समझ लो वेडिंग चल रहा है और उन्होंने हॉल के बाहर जो उनका अभी वेडिंग का वेन्यू वहां से आउटडोर में समझ लो फोटो क्लिक करने के लिए निकल गए, या ऐसा समझ लो कि लेडीज जो ब्राइड का कमरा है वहां पर जाके शूट करना है, तो ऐसा कई बार होता है कि फोटोग्राफरों के पास समय बहुत कम होता है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको जब वेडिंग के पोर्ट्रेट शूट करना है, जो आपका मेन एल्बम का कंटेंट है, जो एल्बम के अंदर जो बड़े बड़े साइज के हमारे 12x18 के जो एल्बम में बड़े फोटोज लगने हैं, अगर वही फोटो को आपको प्रॉपरली क्रिएटिवली शूट करने के लिए अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर आप कैसे करेंगे? तो यहां से मेरे ख्याल से सर ये जो हमारा लाइट मीटर है उसका रोल शुरू होता है सर। हाँ, तो अभी मैं आपको मेरी स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर हो रही है। सर आएगी तो तुरंत मुझे यहाँ पे दिखाई देगी सर, जैसे स्क्रीन शेयर होगी मुझे नहीं आई है, एक सेकंड। नहीं सर, अब एक सेकंड, मैंने शेयर आ गई। यस, हाँ सर आ गई। अभी ये मैं आपको दो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, दो एक्सपोजर्स है। जैसे आपने कहा एक 6.1 फोटोग्राफर है वो 6.3 यानी 5.6 के आसपास वाला जो एपर्चर होता है जी सर, उस पे शूट कर रहा है 1/200 जो उसका फ्लैश का सिंक स्पीड होगा उस पे शूट कर रहा है, ये जो कैमरा डिफॉल्ट सेटिंग्स देता है उस पे शूट कर रहा है और उसने आईएसओ 400 रखा है जी सर। दूसरे फोटोग्राफर ने मीटर किया है सीन, उसको रीडिंग आया है 3.5 125 और आईएसओ 500। सही बात, ये जो है ये शॉट जो है ये आउटडोर का है, शाम के वक्त का है, आप रिजल्ट देखिए क्या होता है। ये बारात आ रही है जी, आप दोनों फोटोज में फर्क देखिए। कहने के लिए बहुत ही मामूली फर्क है, सही बात है, बट ये ऑलमोस्ट लगता है कि अंधेरे में फोटो निकाला हुआ है, सही बात है, और दूसरा लगता है कि डेलाइट में निकाला हुआ है, सही बात है, सही है, दिख रहा है, तुरंत दिख रहा है। हाँ, पीछे एक लेफ्ट वाला फोटो इसमें पूरा बैकग्राउंड जो है डार्क हो गया ड्यू टू फ्लैश, और राइट साइड जो है पूरा एकदम डेलाइट ब्राइट बढ़िया सा फोटो दिख रहा है। हाँ, दोनों ने फ्लैश यूज किया है, दोनों ने सब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चीजें हैं जी सर, बट ये एक्सपोजर थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, बट ये 19-20 का जो फर्क है ये मीटर ने सजेस्ट किया हुआ है। ओह,
एक बिल्ट इन कैमरा का जो मीटर है जो ऑटो सिस्टम है उस पे चला है, और दूसरा जो शॉट है वो एक्सटर्नल मीटर से किया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो कितना फर्क पड़ रहा है एक सिंपल बारात के शॉट में। इसी इसका सीक्वेंस का मैं एक और शॉट आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त फर्क पड़ रहा है। सही बात है, मतलब एक दिन हो गया एक रात हो गया, इतना बड़ा फर्क आ गया। इतना बड़ा फर्क, और अगर आप एक्सपोजर में देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक 100 ISO था, ये 400 था, 500 था, 100 ISO का पॉइंट का डिफरेंस है। सही बात है, सही बात है। तो ऐसा भी कुछ किसी ने किया नहीं है कि यू नो ये बहुत ज्यादा चेंज किया हुआ है। जी सर। इसी सीक्वेंस का ये तीसरा इमेज मैं दिखा रहा हूं। तो एक आपको बहुत क्लियर आइडिया आएगा इसमें क्या हो रहा है कि जो कैमरा का बिल्ट इन मीटरिंग है जी सर, वो फ्लैश फायर करता है, वो देखता है कि सब्जेक्ट ब्राइट है, हो गया, एक्सपोजर करेक्ट आ गया। जी। अब इसमें दो चीजें होती है, जो कैमरा का बिल्ट इन मीटर है वो रिफ्लेक्टेड लाइट को रीड करता है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गई और वापस आ गई, रिटर्न आई, उसको वो रीड करता है। अब दूल्हे ने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं जी सर, तो उसके ऊपर से उसने रिफ्लेक्शन देखा, कैलकुलेट किया कि बराबर है, एक्सपोजर सही लग रहा है, तो उसने पीछे का वगैरह कुछ भी नहीं देखा है, और जिसने मीटर यूज किया है उसने क्या कैलकुलेट किया है कि बाबा डेलाइट कितना है और सब्जेक्ट में लाइट कितनी आ रही है, तो ये दोनों में फर्क यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जी सर। अब ये चीज जो है ये बहुत ही कॉमन चीज है जो आप हर बार देखोगे। सही बात है। सो मीटर का जो रिक्वायरमेंट है ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको हर समय लगेगा। अब हम आते हैं बेसिक मीटर्स पे। ये जो मीटर है सिकॉनिक कंपनी का, ये फ्लैशलाइट करके उनका बेसिक मीटर है, ये MRP इसकी जो है ये 20,000 है। अब इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली ये मीटर में तीन फंक्शंस दिए गए हैं। एक है फ्लैश मीटर है, एम्बियंट यानी डेलाइट को भी रीड कर सकता है, और तीसरा जो है ये है सीने का फंक्शन, यानी आजकल जो वीडियो हम लोग शूट करते हैं या सिनेमैटिक वीडियो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए वो फ्रेम्स पर सेकंड का कैलकुलेशन भी दे सकता है। ओह वाओ। तो ये उस ये एक एब्सोल्युटली बेसिक सीरीज का मीटर है, बट ये तीन फंक्शंस कर सकता है। इसका एक हम लोग छोटा सा वीडियो देखते हैं। जी सर। The Sikonic L308X has been designed to meet the needs of the next generation of imaging filmmakers. It blends the best features of the 308S and 308DC with some added functionality. For professionals, carry a second meter for your assistant or easily fit into your pocket to take on tech sketches. For beginners, you will have a profoundly accurate meter to get proper exposures and start developing lighting recipes for use for years to come. And for passionate film shooters, this is the perfect meter to pair with your vintage film cameras for accurate exposures. The 308X has three display modes: photo with ambient, cordless flash, and corded flash modes. HD Cine for DSLRs and mirrorless cameras, allowing you to select your shutter speed, frame rate, and illuminance mode. And Cine mode for cinema cameras, allowing you to select your frame rate, shutter angle, and illuminance mode as well. Accuracy is the legacy of the 308 series. The 308X is able to measure light from 0 to 19.9 eV at ISO 100. Your exposures are guaranteed to be spot on with this meter's repeat accuracy within plus or minus 0.1 eV. You can also match your L308X to another meter or your camera's exposure by calibration compensation function with a range of plus or minus 1 eV in 0.1 step increments.
A clutter-free interface and ergonomic design make the 308 a breeze to use. The sliding Lumisphere reveals a lens with 40-degree reception angle for reflected light measurement. The optional LumaDisc enables you to measure the light ratio or the exposure of a flat subject. And, as always, the single AA battery will get you through many shoots. We've included a backlit LCD screen that automatically turns on in dimlit conditions under ED5. And aperture priority in photo ambient mode. From previous 308 models, we have added ISO 850, a base for some very popular cine cameras. Now you can always have a meter with you for location scouting and second assistance. Doing a two-person interview, make sure each of your subjects is equally illuminated. Resurrecting that old film camera for some classic portraits, make sure your exposures are right on. The 308X is the perfect blend of features to be your first meter and the meter you always have with you. तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये एक बेसिक मीटर है जिससे जो बिगनर्स के लिए भी है और एक अफोर्डेबल मीटर है। इसमें मेरे हिसाब से ये मीटर जो फोटोग्राफी शुरू कर रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भले अभी आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट लेंस की प्राइस में प्राइस का मीटर हो गया, 20,000 रुपये का मीटर हो गया, मुझे एक लेंस आ सकती है उसमें, बट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि उसमें कितना फर्क है कि बेसिक एक्सपोजर जो आपके बिल्ट इन कैमरा से होता है डेडिकेटेड फ्लैश के साथ और एक सिंपल मीटर के साथ इतना फर्क आ सकता है। जो नेक्स्ट सवाल आता है जो नॉर्मली इस टाइप पे आएगा वो है कि सर आप कौन सा मीटर यूज करते हो। सही बात है। तो मैं जो मीटर यूज कर रहा हूं वो इससे एक स्टेप आगे वाला मीटर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है ये वाला मीटर जो 478 है। वो 308 था, ये 478 मीटर है। तो ये मीटर उस मीटर से काफी एडवांस्ड है और बट प्राइस में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये मेरे चॉइस का मीटर है क्योंकि ये बीच वाला मीटर है। इसके ऊपर भी एक मीटर आता है, इसके नीचे भी एक मीटर आता है प्राइसिंग में। सो अब ये जो मीटर है इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस दिए गए हैं। एडिशनल फंक्शंस यानी क्या क्या दिया है? एक, ये मीटर से आप आपका कैमरा कैलिब्रेट कर सकते हो। कैमरा का कैलिब्रेशन पॉसिबल है ये मीटर के साथ। फिर जैसे कि आपको मैंने बताया, अभी ये मैं ऑन करता हूं, इसका जो डिस्प्ले है ये बेसिकली टच स्क्रीन है। ये टच स्क्रीन है तो मैं यहां पे टच कर सकता हूं और जो इफेक्ट है वो इसमें ही दिखेगा। जैसे मैंने कहा उसमें तीन ही फंक्शंस थे, डेलाइट, फ्लैश और सीने। इसमें एडिशनल फंक्शंस दिए गए हैं और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो है डेलाइट और एम्बियंट यानी और फ्लैश, ये दोनों का ये परसेंटेज में रीडिंग देता है। यानी अगर मुझे कंसिस्टेंटली एक टाइप का शॉट लेना है, खास करके प्री वेडिंग्स के लिए जब मैं बाहर जाता हूं तो HSS फ्लैश बहुत लोग यूज करते हैं, हाई स्पीड फ्लैश। तो हाई स्पीड फ्लैश के लिए वो जज करना मुश्किल होता है कि बाबा एम्बिएंट लाइट कितना है और फ्लैश का कितना होना चाहिए। सही बात है। वहां पे ये मीटर बहुत काम का है क्योंकि ये आपको परसेंटेज में बता देगा कि टोटल एक्सपोजर आपका 100% है तो उसमें से अभी फिलहाल डेलाइट 70% है, फ्लैश 30% है। ओह क्या बात है।
डेलाइट अभी 60% हो गई और फ्लैश 40 हो गई, या 80-20, जो कोई रेशियो आपको चाहिए तो आप उस हिसाब से वो बैलेंस कर सकते हो। अब उसका फायदा क्या है? फायदा बहुत सिंपल है कि अगर चलो एक बार मैंने एक्सपेरिमेंटेशन कर दिया, अब मुझे समझो हिसाब में लगा के 70-30 का जो रेशियो है, 70% डेलाइट 30% फ्लैश, वो मेरे लिए बराबर है, तो वही रेशो मैं कोई भी सिचुएशन में यूज कर सकता हूं। सही बात है। तो उसमें अभी एपर्चर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैं 2.8 पे यूज करूंगा या 5.6 पे यूज करूं या F8 पे यूज करूं, वो रेशो 70-30 का ही रखेगा। सही बात है। मतलब कि ये आपने जो बताया, मैं जिस तरह से समझ रहा हूँ कि समझ लो कि इसका मतलब तो सीधा हुआ कि मीटर ने मेरे को बोल दिया कि डे लाइट आपका 30% है और 70% आपका फ्लैश लाइट है। दैट मींस कि अब मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है मुझे कितना ब्लर करना है, कितना शार्प करना है। फॉर एग्जाम्पल के अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ब्लर करना, तो एपस्टॉप मेरा 2.8 के आसपास रख सकता हूँ। मुझे डीप डेप्थ का फील चाहिए तो मैं अपर्चर मेरा 8 या 11 या 16 पे रख सकता हूँ। सिर्फ मुझे वो सेट करूंगा और मीटर तुरंत मुझे बता देगा कि आपको ये करना है। क्या बात ये करना है, तो ये एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। जी सर, क्योंकि एक चीज हम लोग तो शादियों में तो यूज करते ही हैं, बट अभी काफी ज्यादा लोगों को प्री वेडिंग चाहिए होता है। प्री वेडिंग शूट भी शादी जो फोटोग्राफर शादी का शूट करता है वही नॉर्मली प्री वेडिंग भी कर लेता है। सही बात है। तो उसमें आपको जरा ज्यादा स्कोप होता है लाइटिंग करने का और बहुत कुछ करने का। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है जो एम्बिएंट लाइट मिक्स करनी है, डे लाइट और फ्लैश मिक्स करना है, वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो है कि मेन लाइट, हम लोग नॉर्मली एक मेन लाइट यूज करते हैं, एक फिल लाइट होता है और तीसरा कट लाइट होती है। अगर हम डे लाइट के साथ यूज कर रहे हैं तो बहुत बार हम लोग डेलाइट जो है उसको या फिल में यूज करेंगे या कटलाइट की तौर पे यूज करते हैं। सही बात है। और जो आपकी फ्लैश लाइट है उससे हम लोग मेन फोटो निकालते हैं। तो ये प्रोपोर्शन कब कौन सा यूज करना है और किस प्रोपोर्शन में यूज करना है, ये करने के लिए मीटर बहुत ही जरूरी है। वाओ, मतलब ये तो सर आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, मैं जो मानता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मेरे बहुत सारे फोटोग्राफर दोस्तों ने जो है आज हाई स्पीड लाइट ले ली है। कई सारे मेरे दोस्त हैं जो एडी 200 यूज करते हैं, 400 यूज करते हैं, 600 यूज करते हैं, लेकिन वो जज नहीं कर पाते कि डे लाइट में मुझे लाइट को कितना थ्रो करना है, मतलब कि आउटपुट कितना रखना है। अगर सूरज सामने है अगेंस्ट लाइट में तो मुझे क्या करना चाहिए, या बैक लाइट में तो मुझे क्या करना चाहिए मेरा की लाइट, तो ये तो सर उनके लिए बहुत मतलब वरदान सर रूप साबित हो जाएगा। डेफिनेटली ये 101% ये वरदान ही है। और मैं इनफैक्ट मुझे आश्चर्य लगता है कि लोग इसके बगैर शूट कैसे करते, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाता है, अगर आप ट्रायल एंड एरर से शूट कर रहे हो कि तुक्काबाजी करके मुझे कुछ ना कुछ ठीक लग जाएगा आएगा, तो मैं 50 फोटोज में से मेरे 10-15 फोटोज अच्छे आते हैं। सही बात है, एक्यूरेसी लेवल आपकी बहुत कम हो जाएगी। हाँ, बट मीटर आप यूज करना चालू करोगे तो आपका वो जो 50 में से 45 फोटोज अच्छे आएंगे। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वेस्टेज कम हो जाता है। सही बात है। इवन सर मैंने ये भी देखा है कि मैं कई सारे फोटोग्राफरों के साथ काम करता हूँ, तो जो सिचुएशन आपने बताया एग्जैक्टली वही होता है कि वो ट्रायल एंड एरर काफी करता है। तो कई बार क्या होता है क्लाइंट के ऊपर इसकी इंप्रेशन अच्छी नहीं होती कि यार ये क्या कर क्या रहा है, आधे घंटे से सिर्फ लाइट सेट कर रहा है। तो ये भी एक मतलब फोटोग्राफर को एक बॉय बेनिफिट हो सकता है कि सेट पे गए, लाइट लगाया और उस सटाक से उन्होंने दो टेस्ट किए और उनको जो कैमरे में सेट करना है हो गया। तो इससे एक फोटोग्राफर की भी प्रतिभा को फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से। डेफिनेटली। और देखिए एक चीज होती है, ये प्रोफेशनल लगता है। जी सर, ये एक चीज बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है कि कोई मीटर लेके मीटरिंग कर रहा है। हाँ, जी सर। और दूसरा जो फोटोग्राफर है वो टक शूट शूट करें बराबर नहीं है, वापस एक उसका लाइट का जरा पावर बढ़ा देना, वो नई लाइट नजदीक लेके आना, हाँ वो ये करना वो करना, फिर शूट करेगा नहीं ये भी बराबर नहीं है, वो जरा और ये एडजस्ट करो। ये बंदा क्या कर रहा है, एक मीटर रीडिंग ले रहा है
उसमें उसने हिसाब लगा दिया कि ये लाइट मेरी ज्यादा है, ये लाइट मेरी कम है, तो क्या करना है वो इमीडिएटली वो सेट कर सकता है। सच में ये बहुत जबरदस्त चीज है, अगर बंदा एक लाइट मीटर ले ले तो ऑन फ्लोर मतलब वो राजा बन जाएगा, मतलब बिंदास अच्छा काम कर पाएगा, उसका जो फोकस है प्रॉपर जो एक्सप्रेशन लेने में रहेगा, पोजिंग में रहेगा, और क्लाइंट से डील करने में रहेगा, ना कि लाइट के ये अंडर जा रहा है, ओवर जा रहा है, शटर स्पीड बढ़ा हुआ है, अपर्चर कम करो, अंडर ओवर, मतलब सच में मैंने लोगों को देखा है सर, लिटरली मैं आपको बताऊं कि पागल हो जाते हैं, वो मैच ही नहीं कर पाते, हाई स्पीड सिंक उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि अब क्या करें। तो क्या करते सर आपको मैं बताऊं, डे लाइट में जाके फुल पावर करके 125 पे क्लिक करके लेके आते हैं, और अपर्चर होगा उनका 18-16-22 के आसपास, तो ये भी मैंने देखा है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि ये जो जो अब प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब हम लोग जाके किसी को डेमो करते हैं कि हमारा हाई स्पीड सिंक में ऐसा शॉट आता है, वो ये पार्ट नहीं नोटिस करते हैं कि हम लोग ने मीटरिंग किया है। सही बात है, मैं हर टाइम मीटर यूज करता हूं, वो उनके दिमाग में ही नहीं आता है कि मैंने मीटरिंग किया है और क्यों किया है। मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, उसमें किसी ने मुझे आज तक पूछा नहीं है सर आपने मीटरिंग क्यों किया, मीटर क्यों यूज किया। सही बात है। तो ये जो चीज है, और ये मीटर मैं आजकल से यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग फिल्म के जमाने में काम करते थे। हाँ। तो उस जमाने में मीटर के सिवा काम ही हो सकता नहीं कर सकते थे, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आपके रिजल्ट्स आपको दूसरे दिन मिलते, सही बात, एक दिन बाद मिलने वाले थे रिजल्ट्स। तो अगर उस टाइम पे ये तुक्काबाजी मैं करता तब तो मेरा दुकान बंद करके मुझे बैठना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि फिल्म में सर पता ही नहीं चलता, आप शूट कर रहे हो, आपको पता नहीं है क्या एफस्टॉप है, क्या लाइट कितना थ्रो होने वाला है, जब वो डेवलप करके आएगा रील आपका तब आपको पता चलेगा, मतलब के। और उस जमाने में तो इतनी सारी लिमिटेशंस थी, अगर एक स्टॉप भी ओवर या अंडर हो गया तो फोटो गया आपका, मतलब हाँ। आज के दिन में डायनेमिक रेंज भी नहीं थी, तो वो भी एक बड़ा इश्यू था। तो लाइट मीटर सच में गजब चीज है। तो दूसरी चीज क्या हो जाती है आज के तारीख में, चलो जब हम आउटडोर जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि अभी चलो अभी गर्मी चालू है इसलिए क्लाउड्स नहीं है, अभी एक दो दिन चलेंगे क्योंकि वो तूफान आ रहा है, बट नहीं तो क्लाउड्स तो होते नहीं है। सही बात है, अपनी शूट्स विंटर में होती है जब क्लाउड्स होते हैं। सही बात है, एक क्लाउड आ जाएगा आपका मीटरिंग चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। सही बात है। तो ये सब चीजें जो है ये ओवरकम करने के लिए मीटर्स है। सही बात है। अभी जो मीटर मैं यूज कर रहा हूं उसका भी मैं आपको एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप दिखाता हूं। प्लीज सर, अरे मैंने ये बंद कर दिया, एक सेकंड। हाँ, सर जिस तरह से आपने बात बताई कि हम लोग जब प्री वेडिंग में जाते हैं तो एक प्रॉब्लम तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि हाई स्पीड सिंक हम लोग जब लाइट यूज करते हैं उस समय हमें दिक्कत आती है या लाइट को एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद आपने बताया कि सर हम लोग जब ये धूप छाव आती है तो काफी सारे जो है फोटोग्राफर को मतलब कॉन्स्टेंट हम लोग शूट कर रहे थे, आजकल प्री वेडिंग में टाइम कम होता है, एक दिन में पूरा शूट निपटाना होता है, कई बार हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, तो ये सर चैलेंजेस आती है। तो ये तो मेरे फोटोग्राफर अगर एक लाइट मीटर भी लेते तो उनके लिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा, मतलब एक दिन का उनका 2-3 घंटा जो सिर्फ लाइट को सेट करने में जाना है वो तुरंत बच जाएगा, वो 10-15 मिनट में हो जाएगा, आराम से जो जिसमें घंटों लगते हैं वो 10-15 मिनट में काम हो जाता है। जी सर, जी सर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मीटर है ये सीने के लिए उन्होंने यूज किया है, स्क्रीन शेयर करना सर, स्क्रीन नहीं आया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओके सॉरी एक मिनट। जी सर, मुझे लगा स्क्रीन शेयर हो रहा है इसलिए मैंने, नहीं सर एक सेकंड। हाँ, यस ओके। जी सर, the Sekonic Lightmaster Pro L4780 and L4780R offer cinematographers with the most innovative and advanced features available in a light meter today.
easy to navigate touchscreen interface allows you to simply operate the meter with a touch of your finger. This is the most full-featured meter available in the motion picture industry today. It bridges the gap between HD SLRs and digital cine cameras from multi-camera shoots. While in cine mode, you can unlock the potential of your motion picture with infinite frame rates and shutter angles for special effects. The HD cine mode is designed around the shutter speeds and frame rates of today's HD SLRs. Sekonic designers added a unique filter mode that enables getting exact light levels with touchscreen ease. For special filters or applications, create a unique filter factor and give it a name. The ability to display illuminance in lux and candela per square meter, foot candles, or foot lamperts will make the L478D a priceless tool on movie sets around the world. The L478's contrast function simplifies setting up lighting ratios or checking the evenness of a background. Take a measurement of the main light and touch the AV delta EV to create a standard. Then press the measure button to display the brightness difference between the standard and the new reading. Using the DTS software in combination with the Sekonic or X-Ray target, the dynamic range of your digital camera or film can be programmed into the L478 to create a latitude display that mirrors the range of your camera system. Up to 10 profiles can be stored in the meter. Additional features such as retractable lumisphere, separate 5-degree spot attachment, and up to 13 custom functions make this meter easy to set up to your personal preferences. तो ये जो मीटर जो मैं कह रहा था कि ये मिड रेंज वाला मीटर है जी सर, तो इसमें आप देखेंगे कि फंक्शंस बहुत ज्यादा है। प्राइस में अगर आप देखने के लिए जाएंगे, जो बेसिक था वो 20 का था, ये करीबन 30,000 का है, 10,000 का फर्क है, बट इसमें फंक्शंस बहुत ज्यादा है। जो आप कह रहे थे ना कि डायनामिक रेंज, जी सर, तो आप अभी हमें कैसे मालूम फोटोग्राफर को कि जो कंपनी बोल रही है इसके ये कैमरा की 12 स्टेप की डायनामिक रेंज है, हम बोलते हैं 12 स्टेप की है। जी बट सही बात है, इसमें क्या हो जाता है, हम लोग सेट कर सकते हैं वो 12 स्टेप का फुल 12 स्टेप मीटर के अंदर प्रोग्राम हो जाता है। ओ वाओ, तो आप जब एक्सपोजर लेते हो उसको ऑटोमेटिकली, आपने पहले ही बताया हुआ है कि ये पर्टिकुलर कैमरा का उसने अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये इतनी एक्सपोजर लैटिट्यूड है उसकी या रेंज है, और वो एक्सपोजर रेंज वो डायरेक्टली इसमें मेजर करके आपको उसके हिसाब से रीडिंग देगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है, और ऑफ कोर्स इसमें आप ये बेसिकली डिजाइन किया गया है एचडी एसएलआर कैमरास के लिए। तो जो लोग डीएसएलआर या अभी मिररलेस यूज कर रहे हैं फॉर शूटिंग वीडियोस, उनके लिए ये परफेक्ट कैमरा, ये परफेक्ट मीटर है। अब इसके ऊपर का जो मीटर है उसमें और इसमें फंक्शंस में ज्यादा फर्क नहीं है। जो टॉप ऑफ द रेंज मीटर है उसमें और इसमें ज्यादा फंक्शंस में फर्क नहीं है सर। मेरे पास एक मैं एक मीटर है 858 ये टॉप वाला है। हाँ, ये तो ये भी मुझे कंपनी ने जो है दिया है और मुझे इसको काफी यूज करना है। तो दोस्तों ये जो मीटर है, मुझे जैसे कंपनी ने बताया था जो गोडॉक्स के ऊपर खास करके बहुत ही यूजफुल है। मतलब कि क्या होता है कि गोडॉक्स का अगर मेरे पास ट्रिगर से मुझे लाइट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं फ्लैश से कर सकता हूँ। सही बताएं सर? एब्सोल्युटली जी सर, जी सर। बट अभी इसमें ये पर्टिकुलर मीटर में और ये मीटर में जी सर दो चीजों का फर्क है, प्राइस जी सर।
ओके हाँ, उसका प्राइस एमआरपी करीबन 50 के ऊपर है। हाँ, तो 20,000 का फर्क है। अब 20,000 का फर्क होने के बाद नॉर्मली सब लोगों के पास ये चीज भी होती है, वोडॉक्स का ट्रिगर भी होगा, तो मुझे ये सोचना है कि ये चीज यूज करके ट्रिगर के साथ मैं अगर काम कर सकता हूं जी सर, तो मुझे 20,000 डालने की जरूरत है या नहीं? नहीं है। सही बात है, सही बात है। बट वो मीटर में एक दूसरा फंक्शन दिया गया है, एक तो वो स्पॉट मीटरिंग के जैसे भी आप यूज कर सकते हो, वो जो व्यू फाइंडर है इसको, हाँ ओके, यहां से, हाँ यहां से, वहां से आपका स्पॉट मीटरिंग भी है। यस, तो वो एक एडिशनल फंक्शन दिया गया है उसमें। जी सर, इसमें वो फंक्शन नहीं है। ओके, पर इसमें एक एक्सेसरी आती है जिससे आप, अगर किसी को लगता है कि बाबा मुझे ये मीटर को उस तरीके से करना है, तो वो कर सकते हैं। बट जो मेन एडवांटेज उसमें दिया गया है, वो जो मीटर है और जो इसमें नहीं है, वो है फ्लैश ड्यूरेशन। ओके, हाँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट राइट राइट, इसमें मैं फ्लैश ड्यूरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये मुझे लाइट का परसेंटेज दिखाता है। जी सर, वो मुझे फ्लैश ड्यूरेशन का वैल्यू एग्जैक्ट बताएगा, वैल्यू दिखाएगा। सही है। इसमें कैसा करेगा कि वो HSS पे मुझे सिर्फ परसेंटेज बता रहा है कि ये फ्लैश का पावर इतना है। जी सर, फ्लैश मेरा 60% है या 70% है। वहां पे वो मुझे क्या बताएगा कि मेरा फ्लैश का आउटपुट का एफ स्टॉप कितना है, और सही है, डेलाइट का एफ स्टॉप कितना है, वो कितना ये भी है? बताता है। बट जैसे जैसे हाई स्पीड का ड्यूरेशन कितना है, जी सर, अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर शूट कर रहा हूं, नॉर्मली अगर आप AD300 यूज कर रहे हो या आप उसका फुल पावर पे, अगर मुझे 16 का एपर्चर मिल रहा है, एक गिवन सिचुएशन में मुझे 16 का एपर्चर मिल रहा है, सही है, मैंने शटर स्पीड सिंक्रो से बढ़ा के 500 कर दी, ओके, तो मैं HSS में ऑटोमेटिकली गया। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो जो फ्लैश का आउटपुट है वो फट करके लगभग 1.5 स्टॉप गिरेगा। 1.5 स्टॉप कम होके वो 8.5 या ऐसा कुछ दिखाएगा। ओके, तो फ्लैश आउट कम हो जाता है। जी सर, बहुत बढ़िया सर। एक दो क्वेश्चन ऑडियंस का भी, सॉरी प्लीज प्लीज सर। नहीं, आप बताइए क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन सर ऑडियंस में से भी है, तो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, आपको दिखेगा। डीप फोटोग्राफी का क्वेश्चन है सर, आई हैव ए L470 डी लाइट मास्टर, प्लीज एडवाइज मी अबाउट द सिकोनिक 5° स्पॉट मीटर। सर सिकोनिक का जो 5° स्पॉट मीटर है वो क्या है, वो किस तरह से काम करता है? ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले का डोम है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा बटन दिया गया है। L480 में सिमिलर ही है। ये दबा के मैं जब रोटेट करूंगा तो ये पार्ट बाहर निकल जाता है, और आप जो दिख रहे हैं वो उसका फोटो इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है, SPD सेल है। ओके, तो वो जो दूसरा अटैचमेंट है वो इस पे फिट होगा एज एन एक्सेसरी। ओके, वो एक एक्सेसरी अटैचमेंट है जो इस पे लगेगा। ओके, तो ये इसमें से वो व्यू करेगा और ऊपर एक आपको छोटा व्यू फाइंडर दे देगा। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। तो जो आपका मीटर है 1° दे रहा है, ये 5° देगा। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये मीटर जो है वैल्यू फॉर मनी सबसे, मैं अगर देखूं तो ये बहुत ही अच्छा है। जी सर, तो जैसे मैंने आपको बोला ये 478D है। ओके, किसी का यही क्वेश्चन था कि सर आप कौन सा मीटर यूज करते हो, तो ये 478D है। तो ये एग्जैक्ट बीच में है, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया स्पॉट फंक्शन जो आपके मीटर में
वो अटैचमेंट के द्वारा इसमें भी आ जाएगा जी सर। जो आपका मॉड्यूल है वो इसके द्वारा हो जाता है। सही बात है, सही बात है। तो वो जो एक्स्ट्रा 20,000 मुझे डालने हैं वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट उसका ऑलमोस्ट 90% फंक्शन, मैं 90% बोलूंगा क्योंकि वो सिर्फ जो फ्लैश ड्यूरेशन वाला फंक्शन है वो मुझे फ्लैश ड्यूरेशन नहीं दे रहा, बट वो फ्लैश ड्यूरेशन की उतनी जरूरत भी नहीं है, उतनी जरूरत भी नहीं है। अगर अगर थोड़ा सा अगर स्मार्ट फोटोग्राफर होगा तो उसको पता होगा कि उसके लाइट के पीछे भी दिखाई देता है वो। अगर उसको सिर्फ जानना ही है तो जब वो यूज करेगा तो उसको दिखाई देगा, दिखाई देगा। और ये बहुत ही अगर जिसको टेक्निकल कीड़ा बोलते हैं ना, हाँ वही वही, उसके लिए वो ठीक है, बट बाकी तो प्रैक्टिस में मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है कि वो मुझे 1/16,000 ऑफ अ सेकंड पे फायर कर रहा हूँ या 1/8,000 ऑफ अ सेकंड पे मैं फायर कर रहा हूँ। सही है, उसको उससे वैसे आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अल्टीमेटली रिजल्ट में। हाँ तो वो मुझे ये बता रहा है 70% का फ्लैश दे रहा है, 30% का डेलाइट है या उल्टा है, वो मुझे ये मीटर भी करके दे रहा है। सही बात। तो मैं मेरा हमेशा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है सर, जब से उन्होंने ये L78RDR परचेस किया है तो उनको शायद कुछ इश्यू आ रहा है, वो दो फुल स्टॉप ओवर दिखा रहा है शायद उनको, ऐसा कुछ है। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हिस्टोग्राम है। जी सर, हिस्टोग्राम जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट डेटा कभी भी दे। ओके, हिस्टोग्राम के हिसाब से अभी दो टाइप के फोटोज होते हैं, एक होता है हाई की फोटो, यानी अगर मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रखा, ओवरऑल सब व्हाइट 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 है और मैं मीटर का रीडिंग लेता हूं तो मेरा हिस्टोग्राम दिखाएगा कि पिक्चर ओवर है, बट मीटर के हिसाब से जो रीडिंग आएगा जी वो अलग आएगा। सही बात है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये कोई भी मीटर आप खरीदते हो वो एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल पे बिल्ट है, वो है 18% ग्रे कार्ड। जी सर, जो कोडैक का 18% ग्रे कार्ड आता था उसके हिसाब से ये सब मीटर्स बनाए गए हैं, वो उसका स्टैंडर्ड यार्डस्टिक है। तो अगर आपको ग्रे कार्ड जब आप शूट करते हो और वो अगर ओवर या अंडर जाता है या वो करेक्ट नहीं दिखाता है, या अगर आप कलर चेकर कार्ड चार्ट शूट करते हो उसमें अगर आपको एक्सपोजर गलत आ रहा है तो मीटर को आप बोल सकते हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सही बात है। अगर मैं ओवरऑल लो की पिक्चर शूट कर रहा हूं यानी पूरा मेरा बैकग्राउंड डार्क है और मैं किसी व्यक्ति को शूट कर रहा हूं तो, या मैं अगर एक काला जूता लू और एक काले बैकग्राउंड पे मैं शूट करूं जी, तो मीटर क्या करने वाला है, ये मुझे इतना ही बता रहा है कि लाइट कितना इसके ऊपर गिर रहा है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है कि सब्जेक्ट आपने काला लिया है या सफेद लिया है। हाँ वाओ, बहुत बढ़िया। तो उसके हिसाब से वो ग्रे के लिए रीडिंग बराबर दे रहा है, बट ये फोटोग्राफर का दिमाग है कि अच्छा मैंने तो काला शूट किया है तो मुझे इसको अंडर एक्सपोज करना है तो ही वो काला आएगा। सेम चीज व्हाइट में होगा, व्हाइट को मुझे ओवर एक्सपोज करना पड़ेगा तो ही वो प्योर व्हाइट आएगा। सही बात है सर। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं स्ट्रोब लाइट कभी भी यूज कर रहा हूँ या मेरा सॉफ्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ तो फिर अगर मैं एम्बियंस को देख के जो मेरा कैमरा जो मुझे मीटरिंग दिखेगा वो तो मतलब पूरा फेल हो गया, क्योंकि अगर मैंने जैसे आपने बताया कि बैकग्राउंड डार्क है और जूता भी काला है, मुझे अगर शूज का शूट करना है, मेरा ये मॉनिटर माउस है ये ब्लैक कलर का माउस है और उसी का मुझे शॉट बनाना है तो उसका तो फिर कोई मैच ही नहीं कर सकते। सही बात है, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन और जो इंस्टाग्राम है उसका इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग ही दिखाएगी, इंस्टाग्राम एक साइड में चला जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ओवरऑल आपकी पूरी फ्रेम जो है डार्क है, सीधी सी बात डार्क है। सेम चीज होगा आपके इसमें व्हाइट है वो एक साइड पे चला जाएगा, पूरा व्हाइट ओवर इस साइड चला जाएगा। सही है, इस साइड से चला जाएगा और वो अगर आप सेंटर में लेने के लिए जाओगे तो बहुत ही बकवास पिक्चर आएगा। तो हाँ ब्लैक है वो पूरा, मतलब वो
और ज्यादा ओवर हो जाएगा और व्हाइट पूरा डार्क हो जाएगा, तब जाके आपको थोड़ा सा सेंटर में मिलेगा। तो जो हिस्टोग्राम है इसमें कैसा होता है, एक दूसरा टाइप का मीटरिंग होता है जिसको हम फेस मास्क हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो फेस मास्क हिस्टोग्राम कब कर सकते हो आप, आपने शूट करने के बाद अगर आपने चेहरे के ऊपर फोटोशॉप में जाके एक जो ओवल सर्कुलर मार्किंग आता है उसमें से अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया चेहरे पे, बात नहीं लेने की सिर्फ चेहरे का, और कमांड एल या कंट्रोल एल दबाओगे तो जो हिस्टोग्राम उस टाइम पे आता है वो फेस का हिस्टोग्राम है, आपका करेक्ट एक्सपोजर है। ओके, उसने आपका बैकग्राउंड नहीं लिया, उसने अपना कुछ नहीं लिया, आपका स्किन टोन उठा दिया। जी सर, ये आप सकते हो पोस्ट में। दूसरा चीज आप कर सकते हो अगर आप टेदर्ड शूटिंग कर रहे हो जी सर, और आप कैप्चर वन के जैसी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। उसमें भी ऑप्शन कैसा है कि आपको ग्रे चाहिए, जो मिड पॉइंट वैल्यू है वो आप देख सकते हो, उसमें इंक ड्रॉपर आता है, आप इंक ड्रॉपर से रीड कर सकते हो कि 128 128 128 रेड ब्लू वैल्यूज आ रहे हैं। सही बात है। तो वो जो इसका चेकर चार्ट आता है उसमें आप चेक कर सकते हो, या कोई भी हिसाब से आप चेक कर सकते हो। तो वो जो चीज है वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो सबसे एक्यूरेट है। बट कितने लोग अभी शादी के टाइम पे आप तो मॉनिटर लेके मैं बैठने वाला नहीं, सही बात है, पे कर सकता हूँ, वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो शायद मुझे मेरे स्टूडियो में पॉसिबल हो सकता है, मैं कोई प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी शूट कर रहा हूँ, उधर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉर्मल केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए मीटर जो है वो उसका काम सही कर रहा है, बट उसको आपने डेटा क्या दिया जी सर, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा जो आपका कैमरा का मीटर है वो रिफ्लेक्टेड लाइट ले रहा है, सेम चीज करेगा वो भी, सेम चीज करेगा। अगर ओवरऑल सब्जेक्ट डार्क है तो वो बोलेगा कि नहीं 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 लाइट बहुत कम है, ज्यादा लाइट दो। अगर आपको सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वाइट है वो बोलेगा नहीं 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 अंडर करो। एक सिंपल टेस्ट है, आप कभी भी किसी को भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्लैक कुर्सी, या जैसे अभी ये मेरे पास ब्लैक कुशन पड़ा है, ये ब्लैक कुशन मैं उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ शूट करो कैमरा के बिल्ट इन मीटर से और ब्लैक लाओ, ये शूट करते हैं वो वाइट हो जाता है, वो ग्रे हो जाता है। सीधी सी बात है, वो ग्रे ही हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि ग्रे किधर, सही बात है, सही बात है। कैमरा का मीटर जो उसको रीडिंग ही नहीं कर पाएगा। सर ये चैलेंजेस हमारे साथ भी आती है, जो मेरे कई सारे कैंडिडेट फोटोग्राफर्स है, मैं आपसे हमारे जो फोटोग्राफी हम लोग करते हैं उसके बारे में शेयर करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि मैं कैंडिडेट शूट जब भी करता हूँ तो मैं ज्यादातर एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे काम करता हूँ, मतलब कि मैं कैनन यूजर हूँ तो एवी मोड पे काम करता हूँ, और मैं मीटर रीडिंग रखता हूँ स्पॉट मीटर रीडिंग, मतलब कि स्पॉट फोकस और स्पॉट मीटर रीडिंग, मतलब जहाँ वो फोकस करेगा वहाँ का रीडिंग लेगा। तो ये जो चीज आपने बताया उसकी केयर मुझे हमेशा करनी होती है, मतलब कि किसी ने अगर ब्राइट कपड़े पहने, किसी ने अगर व्हाइट कपड़े पहने तो मुझे बहुत केयरफुली उसके फोकस पॉइंट को आंख पर ही लेके जाना है, किसी ने अगर डार्क कपड़े पहने तो मुझे स्पेसिफिकली मुझे फोकस पॉइंट को उसके फोरहेड पे या ऐसी जगह पे लेके जाना है मुझे जहां पर इक्वल लाइट मिले। अदरवाइज अगर डार्क कपड़े तो मेरा फोटो ओवर हो जाएगा, अगर व्हाइट कपड़े उसने पहना है तो मीटर रीडिंग जो मेरा कैमरे का इनबिल्ट मीटर रीडिंग है वो मुझे अंडर ही इमेज देता है। बहुत सही बात है, एग्जैक्टली जी सर। अभी उसमें भी वापस यही, ये मीटर उस सिचुएशन में क्या करता है, वो रीडिंग दे रहा है लाइट कितनी गिर रही है, सही बात है, वो ये नहीं देख रहा है कि सब्जेक्ट काला है या गोरा है। अब जो टिपिकल सिनेरियो होता है कि कभी दूल्हा सांवला है और दुल्हन गोरी है, हाँ। ये दोनों में आ जाते हैं, सही बात है। तो इसमें आपको आप किस तरीके से एक्सपोजर दोगे, सही। तो इसमें हम लोग, मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूं कि आप डार्क वाले के साइड पे लाइट रखो, तो लाइट आपको, और फेयर वाले के साइड पे लाइट मत रखो तो उसको लाइट कम कम चाहिए, रिफ्लेक्ट भी कम करेगा, आपका एक्सपोजर मैच होगा। हाँ,
तो वो 19-20 तक आ जाएगा, थोड़ा बहुत सही इसमें आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको करनी जरूरी होती है। ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। मेरे हिसाब से जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फोटोग्राफी का कैमरा का जो है वो है जो 8 इंच कैमरा के पीछे होते हैं जी। ये 8 इंच जो है जो कैमरा के पीछे होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत बढ़िया। अगर आपने यूज नहीं किया और आपने बोला कि कैमरा ही सब करेगा तो आप फोटोग्राफर नहीं हो सकते। आज के दुनिया में, आज के दुनिया में जो सब लोग अभी YouTube पे देख रहे हैं वीडियोस और सीख रहे हैं, लोग मोबाइल फोन्स लेके अभी शूटिंग चालू करेंगे। सही बात। ये जैसे हम लोग इससे बाहर आएंगे लॉकडाउन से, मैं बोल रहा हूँ कि जो फोटोग्राफर्स है उनका बिजनेस कम होते जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हम लोग मोबाइल पे शूट कर सकते हैं। अगर मुझे, अगर आप एक्सेप्शनल क्वालिटी नहीं दे सकते हो तो मैं आपको हायर क्यों करूं। सही बात है, सही बात। तो एक क्वेश्चन कुछ आया था बीच में, मैंने मिस किया मैंने। हाँ सर, मैं कुछ क्वेश्चंस भी है, मैं आपको शेयर करता हूँ। प्री वेडिंग में डेलाइट में मुझे F5 पर शूट करना हो जी सर, क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि अगर मैं एपस्टॉप में हिसाब से डिसाइड करता हूं तो लाइट मीटर मुझे क्या वो एक्यूरेसी दिखाएगा? ये जो मीटर्स है, ये मीटर में आपको जैसे कैमरा में एपर्चर प्रायोरिटी मोड है या शटर प्रायोरिटी मोड होता है, सेम चीज इसमें भी है। आप एपर्चर चूज कर सकते हो, वो ISO और शटर स्पीड का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा। आप शटर स्पीड चूज कर सकते हो, वो एपर्चर और ISO का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा। तो इसमें भी वो सेटिंग्स दिए गए हैं, ये मीटर में, बेसिक मीटर में नहीं, ये सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के मीटर्स में वो फंक्शंस है। बेसिक मीटर में एपर्चर का दिया गया है। जो बेसिक मीटर है उसमें हम लोग अगर सिर्फ मीटर को बोल देंगे कि मुझे एपस्टॉप 2.8 रखना है या 11 रखना है, अब मुझे बताओ कि ये लाइट मतलब मेरा ISO कितना होना चाहिए, या अगर मुझे हाई स्पीड सीन पे जाना तो शटर स्पीड कितना होगा, तो वो इमीडिएटली मुझे दिखा देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी सिचुएशन में फोटोग्राफर जाता है और जो लाइट सिचुएशन उसको दिख रहा है और उसमें सिर्फ वो क्लिक करता है तो उसको पता चल रहा है कि मेरा जो कैमरे का बाकी का सेटअप है वो मुझे इस तरह से रखना है। तो फंडामेंटली लाइट मीटर का यही सबसे बड़ा फायदा भी होता है कि हम लोग उसको हमारी जो सेटिंग्स है वो बताए कि मुझे ये डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या और सेटिंग्स रखनी चाहिए। सर इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है कि प्री वेडिंग में यूज कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सर ये, सॉरी, 3 लाइट सेटअप में कैसे इसको यूज करें? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 3 लाइट सेटअप में इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डोम है इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो बाहर आता है और एक अंदर जाता है। मेन लाइट जो होगी उसका मैं रीडिंग ले सकता हूँ, समझो वो F8 आ रहा है। फिल लाइट उसका मैं रीडिंग ले सकता हूँ, उसको मुझे एक स्टॉप कम रखना है तो मैं 5.6 पे रख सकता हूँ। जो मेरी कट लाइट है वो मुझे अगर लगता है मुझे F4 चाहिए तो उसको F4 पे रख सकता हूँ। बाद में ये डोम मुझे बाहर निकालना है और एक कंबाइंड एक्यूमुलेटेड रीडिंग लेना है। Okay. बहुत आसान तरीके से बताया सर आपने, बहुत शानदार। मतलब कि जिस साइड आ रहा है मुझे एक बार उसको डोम को अंदर कर देना है ताकि उसी लाइट को वो रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा की लाइट है या फिर मेरा फील्ड लाइट और मेरा हेयर लाइट, जो भी उनको चाहिए। तो इससे तो सर ये बहुत अच्छी बात बन जाएगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ग्रामीण फोटोग्राफर है उनको ये दिक्कत आती है कि कई बार वो लोग हेयर लाइट देते हैं तो उनके क्लाइंट उनको ये बोलते हैं कि सर भैया आपने तो मेरे बाल जो सफेद कर दिए, तो उसका मेरे ख्याल से ये लाइट मीटर से बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि मुझे लाइट कितना देना है, क्योंकि नहीं तो वो जज ही नहीं कर पा रहे। वो सिर्फ रखते स्नोट लगा दिया तो लाइट हेयर पे आ रहा है बस खत्म, लेकिन कितना आ रहा है कितना कंट्रोल करना है वो कहीं पर वो जज नहीं कर पाते। तो लाइट मीटर के माध्यम से वो 100% श्योर क्या चाहिए वो जो है जज कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन और है, सॉरी सर। अच्छा, डिफरेंस बता दे सर। हां, बिटवीन डी एंड डीआर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ टेक्निकल डेजिग्नेशन का फर्क है। जो इंडिया में मीटर आ रहा है वो ये डी ही है,
जो फिलहाल जो मार्केट में मिल रहा है वो 478 ही मिल रहा है। ओके, डीआर मिल नहीं रहा है वो बेसिकली। अच्छा। उन्होंने सीने के लिए उसमें थोड़ा एक आध दूसरा एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ भी फायदा नहीं है। Okay. उसमें रेडियो ट्रिगरिंग वगैरह कुछ नहीं है। आर लगता है कि रेडियो ट्रिगरिंग होगा, वो रेडियो ट्रिगरिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो बेसिक बेसिक जो मीटर्स है ये उसके फंक्शंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। सर कुछ लोगों को और भी कंफ्यूजन होते हैं, जिसे लाइट मीटर है तो क्वेश्चन आपको शेयर करता हूँ। उनको लगता है कि सर क्या इसमें व्हाइट बैलेंस या कलर टेम्परेचर भी दिखाता है क्या, या उसके कोई अलग मीटर आते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है सर? कलर व्हाइट बैलेंस और कलर टेम्परेचर के लिए टोटली अलग मीटर आता है। व्हाइट मीटर के व्हाइट बैलेंस के लिए मैं मीटर का रिकमेंडेशन भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो कलर टेम्परेचर मीटर आता है मेरे पास पड़ा है, मैंने निकाला नहीं है, वो अगर उसकी प्राइस जो है वो करीबन 70,000 के आसपास है। ओके सर, आपने भले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, आप जो कलर मीटर बता रहे हो फॉर एग्जांपल के जो कलर टेम्परेचर मीटर में देखा, तो सर हम लोग अभी कई बार हम लोग शादियों में जाते हैं तो वो लाल पीली लाइट होती है एलईडी वाली, मतलब एकदम प्योर मजेंटा प्योर ब्लू कलर का एलईडी जो डेकोरेटर्स यूज करते हैं आजकल, तो उस लाइट को अगर मैं यूज करूँ सॉरी आपका मीटर को जो मैं यूज करूँ, तो क्या मुझे वो उस लाइट में मुझे स्किन टोन एक्यूरेस कैसे लाना है, तो वो फिर मैं अपने कैमरे में कैसे सेट कर सकता हूँ, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए तो सर। अभी इसमें कैसा होता है, चलो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, यही लाइट यूज करता हूँ। अभी ये ब्लू लाइट अगर इधर मेरे ऊपर आ रही है तो ये लाइट को मैं कट नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, सरल सी बात है, हिसाब से ये लाइट को मैं कट नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं व्हाइट बैलेंस अगर इसको करेक्ट करने के लिए जाऊंगा तो मेरा स्किन टोन ये ब्लू माइनस करेगा और मेरा स्किन टोन एक अलग ही येलोइश टोन पे लेके जाएगा। सही बात है आपकी सर, यही होता है हमारे फोटोग्राफर के साथ, वो मैनेज ही नहीं कर पाते, ये चीज मैनेज नहीं होती है। तो इसके लिए द सॉल्यूशन जो है, जो मेरा सॉल्यूशन है, तो इसको आप लाइट से कट कर सकते हो। ओके, ये चीज जो है, ये लाइट एलईडी लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कभी भी ज्यादा नहीं होती, वो दिखने में बहुत स्ट्रांग लग रही होगी, बट यही चीज अगर मैंने मेरे फ्लैश से कट की, ये फ्लैश लाइट यूज की, सही है, तो फिर उसको ब्लू लाइट को जो है एलईडी लाइट पावर उसको ये चीज जितना मैं वापस, ये जो अपना मीटर है, मेरा मीटर वो ही दिखा रहा है कि ये एम्बिएंट कितना है। तो जो मैंने आपको बोला कि मेरा रेशियो है बिटवीन डेलाइट एंड यानी एम्बिएंट लाइट और फ्लैश का, तो मैंने एम्बिएंट को नीचे डाल दिया, मेरा फ्लैश का पावर मैंने बढ़ा दिया, मैंने फ्लैश को 70 किया, एम्बिएंट को 30 किया, तो इसका हल्का इफेक्ट रहेगा कि ब्लू लाइट थी बट एक्चुअल पिक्चर मेरा फ्लैश से ही आएगा। सही बात है। तो ये चीज वापस वो हम लोग फ्लैश मीटर पे ही आते हैं, क्योंकि वो इसको भी रीड कर रहा है और उसको भी रीड कर रहा है, वो तो दोनों को देख रहा है, वो दोनों को देख रहा है और आपको चॉइस दे रहा है, आपको चॉइस दे रहा है कि आपको किसको डोमिनेट करना है। आपने बोला कि मुझे ये ब्लू ज्यादा चाहिए तो वो उसको बढ़ा देगा और फ्लैश को कम करेगा। सही है, तो ये आपको बैलेंस सिर्फ सेट करना है, ये तराजू की तरह है। सही बात, इसको ज्यादा करना है या उसको ज्यादा करना है। मैं अगर शटर स्पीड घटाऊंगा, स्लो शटर स्पीड करूंगा, तो ये बढ़ेगा, एम्बिएंट बढ़ेगा, एम्बिएंट बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात। मैं शटर स्पीड कट करूंगा, फास्ट शटर स्पीड पे जाऊंगा तो मेरा एम्बिएंट कट हो जाएगा और ये बढ़ेगा, फ्लैश का पावर जो है ज्यादा दिखेगा मुझे, ज्यादा दिखेगा। तो ये चीज मुझे जज करना है। सही बात है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो जो बेसिक मीटर है उसमें ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन दिया नहीं है। ओके, उसमें ये कंबाइंड रीडिंग नहीं देता है, वो सेपरेट मुझे लेना पड़ेगा और मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो अगर
आपको ये मीटर में वो सोल्यूशन दिया गया है कि ऑटोमेटिकली ये रीडिंग दे देता है, परसेंटेज में ही देता है। आराम से। कुछ जी सर, कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो शायद मुझे क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको दिखा दीजिए, मैं देख लेता हूँ। EMX लाइट स्ट्रांग होती है सर, ये मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्या कहना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि LED की लाइट स्ट्रांग होती है। ओके, मतलब जो आपने बताया कि वो दिखने में बहुत स्ट्रांग होती है बट एक्चुअल में पावर में इतना नहीं होता, विजुअली ज्यादा दिखती है। वो विजुअली दिखती है, जब आप मीटरिंग करते हो ना तो आपको पता चलेगा ही कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। अभी ये जो लाइट है बोडॉक्स की, ये दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ब्राइट लगेगी, बट जब मैं इसके साथ फोटोग्राफी करने के लिए जाऊंगा, हम लोग नॉर्मली 100 ISO पे शूट करते हैं, जी, ये 100 ISO पे फुल पावर पे एक 4-5 फुट के डिस्टेंस पे मैं रखूंगा ना तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम आएगी। समझ गया, मतलब वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगी, ये बहुत अंडर एक्सपोज हो जाएगी, वो अपने को कवर नहीं कर पाएगी। 2 के आसपास उसका रीडिंग आएगा, तो 1.4 या 2 का रीडिंग आएगा एट 1/30th या 1/60th। मैं शटर स्पीड 250 पे जाऊंगा तो सही बात, ऑटोमेटिकली ये उड़ेगा। सही है सर, आपके पास कुछ फोटोज होंगे जो अगर लाइट मीटर रीडिंग, जैसे आपने पहले कुछ फोटोज दिखाए 2-3, अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते तो, ऐसा कुछ और एग्जांपल्स, और अगर फैशन फोटोग्राफी में ये कैसे यूज हो सकता है उसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। जी सर प्लीज, वही देखता हूँ मैंने, क्योंकि मैंने दोस्तों जरा... आप लोग सर जब तक कुछ फोटोज उनके कंप्यूटर में सर्च करते हैं, आपको कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो। और सर एक क्वेश्चन ये भी आया है कि ये जो मीटर है वो TTL मोड में काम करता है क्या सर? TTL मोड में हमें बेनिफिट देगा या क्या? TTL मोड यानी आपको मैं समझा नहीं, ये थ्रू द लेंस, ये थ्रू द लेंस मीटरिंग कर नहीं सकता है। ओके, TTL का मतलब है थ्रू द लेंस, तो ये आप व्यू फाइंडर पे यूज ही नहीं कर रहे हो। सही बात, कैमरा के थ्रू तो रीड कर ही नहीं रहे। But, okay, मतलब जो मैं जो मैं मुझे ये लग रहा है ये पूछना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल के मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ TTL मोड पे, हाँ, और एम्बियंस लाइट भी है तो मतलब जो प्री फ्लैश भी ऐसा नहीं होता ना? ओके, शायद उनका क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा। आपको मैनुअल मोड, ये जब आप मीटर यूज करते हो तो आप मैनुअल मोड में जा सकते हो, ही यूज कर वो फिर आपका TTL BTL वो सब बाजू में जाता है, बट जो आपका मीटर है उसमें एक फंक्शन दिया गया है जो इसमें भी है। यहां पे जब आप मेन्यू में जाएंगे तो आप एक स्पेशल फंक्शन पे आएंगे, एक सेकंड किधर गया, हाँ, यहां पे जब आप शूट के मोड में जाते हो, ये शायद बहुत ब्राइट है मुझे वो, तो शूट के इसमें एक ऐप करके फंक्शन आता है APP, तो जब आप सर वाला मीटर यूज करोगे, अगर जो हाईएस्ट एंड वाला मीटर है उसमें ऑप्शन दिया गया है जी, जो मीटर ये आपको कैमरा पे ऑन रखना है, क्योंकि शूट करते समय तो आपको ट्रिगर की जरूरत है ही, तो जो डेटा आपने मीटर किया है वो डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक शॉट शूट करते हैं, आपने लाइटिंग का कुछ भी सेटिंग किया होगा, जो मीटर पे सेटिंग होता है वो जो ट्रिगर पे सेटिंग होता है वो वापस रीएडजस्ट कर लेता है। सही बात है, तो इसलिए उसमें ये जो ऐप करके फंक्शन दिया गया है वो उसके लिए है, अगर आपने ऐप एक्टिवेट किया तो वो अच्छा। हाई स्पीड सिंक्रो विथ बेसिक, देखिए पहली चीज जो है हाई स्पीड फोटोग्राफी जो है उससे मीटर का लेना देना नहीं है, ये चीज आप समझ लीजिए। ओके, क्योंकि हाई स्पीड फ्लैश ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट है,
अभी अगर मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ, ये मैंने गोडॉक्स के ही इस पर शूट किया हुआ है, चलो एक सेकंड में मैं ये खोलता हूँ, तो जी सर ये आपको शेयर करना पड़ेगा मुझे, शेयर एक सेकंड, तो ये एक अभी ये एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ओके यहां पे आप देखेंगे कि एक पानी का स्प्लैश है जो ये बॉटल के ऊपर आया हुआ है, दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। ये चीज जो है ये हाई स्पीड पे की गई है, ये हाई स्पीड सिंक है, यानी जो फ्लैश ड्यूरेशन है इसमें ये AD600 पे हाईएस्ट फ्लैश पे मैंने सिंक किया हुआ है, ओके। तो इसका फ्लैश ड्यूरेशन बहुत ही कम है, तो ये जैसे मैंने आपको बोला कि जिसको टेक्निकल कीड़ा होगा वो मीटर से मेजर करेगा, बट मुझे AD600 पे मैं डायरेक्टली डायल इन करके देख सकता हूँ उसका T01 वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से सेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, आपने एक वर्ड यूज किया था कैमरा कैलिब्रेशन, तो ये एक क्वेश्चन आया है कि सर सिकोनिक के मीटर को कैमरा कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और ये एग्जैक्टली होता क्या है? ओके अभी सिकोनिक का मीटर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने समझो एक सोनी का कैमरा लिया, सोनी के कैमरा में मुझे बताया गया है कि ये पर्टिकुलर मॉडल में 12 स्टॉप का लैटिट्यूड है, एक्सपोजर लैटिट्यूड 12 स्टॉप की है, ठीक है, तो मैं मेरा सोनी का कैमरा लगा सकता हूँ, उसकी लेंस लगा सकता हूँ और एक जो स्टैंडर्ड टारगेट्स है, या तो सिकोनिक का खुद का टारगेट है या एक्सराइट का टारगेट आता है या दो तीन कंपनीज के आते हैं, वो एक ग्रे स्केल वाला टारगेट आता है वो मैं शूट करता हूँ। उसके बाद उसकी एक सॉफ्टवेयर है, DT सॉफ्टवेयर करके आती है जो सिकोनिक की है, वो सॉफ्टवेयर से मैं उसको मैं रीड करता हूँ, ओके वो रीड करने के बाद ये वैल्यूज मेरे मीटर में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ओके और स्टोर हो जाता है एज मीटर एज कैमरा वन, ऐसे 10 कैमरास के मैं रख सकता हूँ रीडिंग, ओके तो ये मैंने समझो इस कैमरा वन रखा, तो वो मुझे वो 12 स्टॉप के, जब मैं वो कैमरा वन का सेटिंग रखता हूँ तो मेरा जब मैं वो पर्टिकुलर सोनी का कैमरा यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरे 12 स्टॉप की रेंज है, तो वो रीडिंग लेते समय उसी हिसाब से रीड करेगा कि ये मेरा व्हाइट इधर आएगा क्योंकि इसका एक्सपोजर लैटिट्यूड 12 स्टॉप का है, ओके और इसका इधर तक जाएगा क्योंकि उसका 12 स्टॉप तक का रेंज है, और वही अगर कोई दूसरा कैमरा है जिसका कम है समझो 10 स्टॉप का है तो वो उसके हिसाब से सेट करेगा। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से उसका सेटिंग आप कर सकते हो। सर एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये जो फीचर है ज्यादातर लोग जो प्रो ट्रिगर लेते हैं उनको ये पता नहीं है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाइट मीटर से साइड में, बट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है तो लोग देख पाए सुन पाए इसलिए मैं आपको ये शेयर करता हूँ। ओके TCM जो फंक्शन है ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसमें आपको दो रीडिंग्स मिलते हैं, एक आप पहला शॉट लेते हो जो आपका एक्सपोजर है ओवरऑल एम्बिएंट लाइट का एक्सपोजर जब आपको ठीक लगता है आप वो लेते हो, आपका फ्लैश का पावर आप अप डाउन करके आप TTL का एक्सपोजर कॉम्पनसेशन देके प्लस माइनस कर सकते हो, और जब आप बोलते हो कि ठीक है ये थम्स अप मेरा परफेक्ट शॉट आ गया, उसके बाद मैं ये TCM बटन दबाता हूँ, ओके अब TCM में क्या होगा, वो जो फ्लैश का आउटपुट है वो लॉक कर देता है,
यानी अगर वो 1/8 का आउटपुट होता है फ्लैश का तो वो 1/8 पे ही वो लॉक करके रखेगा फ्लैश का आउटपुट। अब क्या होगा, तो आपका जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड चेंज भी होगा, बैकग्राउंड ब्राइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, उसमें उसको कोई लेना देना है नहीं है, वो फ्लैश का एक्सपोजर उतना ही वो फायर करते रहेगा। ओके सो ये टीसीएम का फंक्शन है। ओके ये शायद मैंने कहीं पे पता नहीं मैंने कहीं पे पढ़ा था या मैंने किसी वीडियो में देखा था, तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आया था। मेरे वीडियो में दिखाया हुआ है जी, ये मेरे वीडियो में मैंने ये दिखाया हुआ है ये फंक्शन। मैंने जो गोडॉक्स का V1 का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये फंक्शन दिखाया हुआ है जी सर। अगर सर आपको कंफर्टेबल हो तो आपकी लिंक वगैरह यूट्यूब की या कोई है तो शेयर कर आप मुझे देने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि लोग और भी वीडियोस जो आपके टेक्निकल वीडियोस है वो भी देख पाए। दोस्तों और किसी को कुछ अच्छा कोई क्वेश्चन है जो लाइट मीटर के बारे में पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हो। सर एक है लेकिन वो रिगार्डिंग लाल दुख मतलब उसके ऊपर रहता है, अगेन व्हाइट बैलेंस के ऊपर है, नॉट फॉर लाइट मीटर। तो दोस्तों सर ने जैसे बताया उस हिसाब से मतलब ये लाइट मीटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके पास अगर हाई स्पीड लाइट है उसमें आप कैसे काम कर सकते हो, फिर अगर आपके पास स्टूडियो है और 3-point लाइटिंग में आप खास करके 3-4 लोगों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक जो लोग बहुत ही शार्पली अपने लाइट से खेलना चाहते हैं, जो आर्टिस्टिक अप्रोच रखना चाहते हैं और कम समय में क्रिएटिवली बहुत ही जल्दी लाइट से आउटपुट निकालना चाहते हैं, उसके लिए लाइट मीटर मेरे ख्याल से मैं मानता हूं कि जितना कैमरा इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंस लाइट मीटर हो जाता है, जिसके कारण आप अपने काम में अमेजिंग आउटपुट ला सकते हो। सर ये जो आपने बताया था मेरे ख्याल से उसकी किसी ने प्राइस पूछा तो 20,000 के आसपास भारत में उसकी लाइट मीटर की प्राइस है मेरे ख्याल से, सही है? बेसिक लाइट मीटर 20,000 है, जो 478 है ये करीबन 30,000 के आसपास है एमआरपी से, ये तो डीलर के थ्रू आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही, और जो आपके पास मीटर है वो 50,000 प्लस है जी सर, क्योंकि वो मॉड्यूल के साथ अगर लेते हो तो वो 50,000 प्लस है, विदाउट मॉड्यूल जरा सस्ता पड़ता है, बट मतलब नहीं है अगर आप वो 5-6,000 एक्स्ट्रा डाल के फिर वो मॉड्यूल ले ही लो। सही बात सर, आगे कुछ आप कुछ बात जोड़ना चाहते हो या क्या हम लोग आगे समावन की ओर जाए या आपके पास कुछ है स्लाइड वगैरह दिखाने के, जैसे आप बताओ सर। फोटोज अगर आपको देखने हैं तो मैं दिखा सकता हूँ प्लीज सर, कुछ अगर फोटोज आप दिखा पाओ तो सर, और अगर आपको कंफर्टेबल हो अगर आप नाम सॉरी आपका मोबाइल नंबर देना चाहो, लेकिन लोग परेशान करेंगे अगर आप देना चाहो तो। मुझे ऐसा कुछ ये नहीं है, आपके पास है आप चेक कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि दोस्तों सर बहुत सीनियर है सर, बहुत सारे मतलब गोडॉक्स का मेंटर है, तो गोडॉक्स की बहुत सारी जो लाइट की रेंज है उसके डीप में उनको जो है जाना होता है और लोगों से उनके वेबिनार्स होते रहते हैं, वर्कशॉप होते रहते हैं, तो मुझे सर ने अगर परमिशन दिया मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उनको हो सके तो पहले व्हाट्सएप करके उनसे पूछ लेना, परमिशन ले लेना, जब भी उनके पास वक्त हो उस समय फिर आप उनको कॉल कर सकते हो, या समझ लो आपको लगता है कि क्वेश्चन छोटा सा है तो सिर्फ आप मैसेज कर दो सर को, जब भी वक्त होगा वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना सर, मैसेज करेंगे तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई भी कर देता हूं नॉर्मली, क्योंकि वो फास्ट हो जाता है काम। मैं आपको एक अभी फोटो दिखा रहा हूँ, ये टिपिकल मीटरिंग का ही फोटो है, क्योंकि बगैर मीटर का इस टाइप के जो काम है ये आप कर नहीं सकते हो। मैं एक सेकंड वो स्क्रीन शेयर का क्या हो गया, शेयर एक मिनट। सर इसका कोई सर्विस स्टेशन भी है क्या भारत में हमारे? हाँ, सिकोनिक का है। ओके दैट मींस कि हम अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज भी करते हैं अगर कोई इश्यू आता है तो सर्विस सेंटर इज आल्सो देयर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी ये जो पर्टिकुलर फोटो है ये टिपिकल फोटो है जहां पे आप अगर मैं हिस्टोग्राम के हिसाब से जाऊंगा तो ये अंडर दिखाएगा। सही बात है, यहाँ पे मैंने जो लाइटिंग की है वो मैंने हनीकॉम ग्रिड्स लगा के लाइटिंग की हुई है, इसलिए लाइट भले वो लड़की बैकग्राउंड के एब्सोल्युटली नजदीक बैठी है
बट बैकग्राउंड पे लाइट बहुत ही कम जा रही है और बहुत ही कंट्रोल्ड फैशन में जा रही है। तो इस टाइप के जब आप शॉट्स कर रहे हो तो आपको मीटर की जरूरत है ही। सही बात है, मतलब 100% लाइट पे जब आपको कंट्रोल चाहिए तो अगर सीधा बोलो तो आपको लाइट से खेलना है, आप हाँ। जो लाइट आप जो बोलो करना चाहते हो तो लाइट मीटर चाहिए, लाइट मीटर चाहिए ही, क्योंकि बगैर लाइट मीटर का ये टाइप ये शॉट आ ही नहीं सकता है। सही बात है, या फिर उसको पूरा दिन निकल जाएगा एक शॉट लेने में, अगर वो मतलब आरएनडी करना और कुछ नहीं कर सकता है। और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने ऐसे कितने सारे शॉट्स लिए, यानी ये शॉट लिया मैंने लाइटिंग चेंज किया है, फिर शॉट लिया है, फिर लाइटिंग चेंज किया है, फिर शॉट लिया है, लाइटिंग चेंज कर दिया है। तो अगर मैं इतना सारा इतनी फ्रीक्वेंटली लाइटिंग चेंज करते रहूंगा तो मैं ट्रायल एंड एरर कर ही नहीं सकता। सर एक इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चन इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा। सर कैन आई यूज एनडी फिल्टर विथ डी? ओके, आप एनडी फिल्टर हो या कलर कॉम्पनसेशन फिल्टर हो या किसी भी टाइप के, इवन वेरिएबल एनडी अगर आप यूज करते हो, आप इसमें फिल्टर कॉम्पनसेशन दिया गया है तो आप डायरेक्टली वो फिल्टर कॉम्पनसेशन डाल सकते हो। तो 478D में वो तो वो फंक्शन है, 478D और उसके ऊपर में, तो दोनों में ये फंक्शन दिया गया है। जो बेसिक मीटर है उसमें ये सब फंक्शंस नहीं है। सर एक अजीब क्वेश्चन है, अजीब भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। हाउ डू यू लुक द फ्यूचर ऑफ लाइटिंग टेक्निक, फ्लैश वर्सेस कंटिन्यूअस लाइट? देखिए कंटिन्यूअस लाइट जो है ये चीज पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं था, HMIs थी, अलग अलग चीजें थी, बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि फ्लैश में मोशन फ्रीज करने की एबिलिटी है जो कंटिन्यूस लाइट में नहीं है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहने वाला हूं, जो हम लोग आंखें बंद करके खोलते हैं ना, सिर्फ ब्लिंक, जी सर, ये अगर कंटिन्यूस लाइट में आपने की वो 1/30th ऑफ अ सेकेंड पे हो जाता है, आपकी आंखें जो है ना वो भूत की तरह लगेगी। अगर आप किसी को शूट कर रहे हो, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो और उसने सिर्फ आंखें पलक झपक लिया, सर फ्लैश में क्या होता है, बंद आंखें आ जाएगी, हाँ, या खुली आंखें आ जाएगी। सही है, इसमें वो बंद होके खुल रही है ना वो घोस्ट हो जाता है, हाँ। ये एक है। दूसरी चीज, हमारा कैमरा 1/30th के नीचे आप पकड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये कंटिन्यूस लाइट है। सही बात है, तो आपको ट्राइपॉड लेके घूमना पड़ेगा, कंटिन्यूस लाइट आप यूज करो, बट आपके सब्जेक्ट को किसने बोला है कि वो नहीं हिल सकता है? सही बात है, अभी हिला ब्लर हो जाते हैं। सही बात है, फेरे में हो जाते हैं, फिर प्रोसेशन में, डीजे में, डांस में, मतलब लॉट्स ऑफ इवेंट्स आर देयर इन द वेडिंग्स, तो वहां इमेजेस ब्लर हो जाती है। फ्लैश के साथ ब्लर हो रहे हैं, हम फ्लैश यूज करें तो ब्लर हो रहे हैं, आप कंटिन्यूस लाइट यूज करोगे? सही बात है सर। देखिए जो वीडियो अगर मैं शूट कर रहा हूं उसके लिए कंटिन्यूस लाइट चाहिए ही चाहिए। ये दोनों अलग अलग बॉल गेम्स है, आप एक लाइट दूसरे में मत लाइए, दूसरी लाइट इधर की उधर मत लेके जाइए। सही भले हम लोगों ने गोडॉक्स की एक लाइट है जो जो FV सीरीज है, फ्लैश और वीडियो की कंबाइंड सीरीज जो है, वो बहुत ही बढ़िया लाइट्स है, बट उसका फ्लैश आउटपुट अगर मैं देखने के लिए जाऊंगा कि फ्लैश में कितना पावर है तो वो उतना ज्यादा नहीं है, फ्लैश के जितना पावर नहीं है। सही बात है, और उसका वीडियो का आउटपुट ठीक ठाक है, वो उसके लिए ठीक है
जो बंदा एक ही बंदा लेके जा रहा है दोनों लाइट्स, वीडियो का भी काम कर रहा है, बीच बीच में फ्लैश के वो फोटोज भी शूट कर रहा है, उसके लिए वो परफेक्ट लाइट है। वन मैन शो जो काम कर रहा है उसके लिए वो सही है। बट अगर आपको क्वालिटी काम करना है तो आपको ये दोनों चीजों को सेपरेट करना ही पड़ेगा। सही बात है। और ये थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय तक ये चेंज भी आता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पहले पता था कि आज से अगर 15 साल पहले बात करो तो फ्लैश वेडिंग मतलब कि फ्लैश फोटोग्राफी ऑलमोस्ट सबके पास कंपलसरी फ्लैश होता था। फिर एक थोड़ा सा जमाना आया एम्बियंस लाइट में शूट करने का, हालांकि अभी भी चल रहा है, तो काफी सारे फोटोग्राफर जो है वो एम्बियंस लाइट में पोर्टल लाइट मतलब जो भी वहां सेटअप लगा है उसी में अपने कैंडिड शॉट्स वगैरह बना रहे। लेकिन अगेन फिर से जमाना आ गया कि अब हाई स्पीड सिंक वाली लाइट्स यूज कर रहे हैं लोग और फ्लैश फोटोग्राफी या मल्टीपल फ्लैश फोटोग्राफी। इवन सर मैं भी आजकल काफी सारे मैंने वेडिंग्स में भी लास्ट 3-4 वेडिंग्स से मैंने शुरू किया है कि हमारा जो 860 का फ्लैश है मैंने क्या कर दिया 3-4 860 का फ्लैश लगा के उसके ऊपर डिफ्यूजर लगा दिए और मैं वेडिंग का जो हमारा मायरा होता है या चौरी जो इसको बोलते हैं उस पर मैंने लगाया। इससे क्या होता है कि मेरे 100 ISO में भी मेरे तीनों या चारों फ्लैश के कारण अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। मतलब कि ऑफकोर्स जो पहले के फोटोग्राफर्स हैं हम लोग भी जब मैंने शुरू किया जब मैंने सीखा था तो सिर्फ गरबा या डांडिया के अंदर हम लोग 7-8 स्टूडियो यूनिट खड़े कर देते थे ताकि पूरा ग्राउंड कवर हो पाए। तो ये फेज भी हमने देखा है और ये फेज मेरे ख्याल से फिर से शुरू हो रहा है क्योंकि वी नीड अ क्वालिटी पिक्चर्स अब ओवरऑल। तो ये कभी खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। मेन चीज वही है क्योंकि आज के तारीख में आप कॉम्पीट कर रहे हो किसके साथ, इस डिवाइस के साथ। ये चीज याद रखना है कि आप इसके कंपैरिजन में हर बार आप जब खड़े रहते हो कि मैंने ये कैमरा लिया, आपका कॉम्पिटिटर ये है, ये याद रखना है। सही बात है। मतलब कि अगर आपको 100% अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस अगर आप नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर आप पे हावी हो जाएगा। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा कि कितने बार आप शादियों में जाते हो, कितने लोग मोबाइल फोन से वीडियो भी शूट कर रहे हैं, स्टिल भी शूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है उसको पीछे भेज देते हैं, ये करे जाते हैं। सही बात है सर, सही बात है। तो आपका कंपटीशन ये है एंड सही बात है। जिस दिन से वो लोग फोटोग्राफी करना करेंगे इनको भी इंटरेस्ट हो गया लाइट में। कोई बात नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से हमारे फोटोग्राफरों को जो है समझाया और लाइट मीटर के बारे में बताया। सर और भी जो अच्छे टेक्निकल विषय है उसको लेके हम आपको हमारे साथ लाएंगे यहाँ पर। तो जितने भी मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं जिनको लाइट मीटर क्या होता है उसके बारे में कुछ अभी क्वेश्चन फिर से आए तो वो मेरे ख्याल से जैसे नित्यानंद जी वो लेट जुड़े तो आप इस वीडियो को पहले से देखिए, बहुत अमेजिंग है। सर ने बताया कि अगर आपके पास लाइट है तो क्या करना है, अगर लाइट नहीं है तो क्या करना है, लाइट मीटर जो है वो आपको किस तरह से परफॉर्म करके देता है और फायदा क्या होता है कि अगर जैसे बहुत उन्होंने इनिशियल स्टेज पे 2-3 फोटो दिखाए थे जिसमें बारात आ रही है तो एक में कैमरा मीटर रीडिंग कर रहा है और एक में जो है लाइट मीटर रीडिंग कर रहा है, दोनों के इमेज में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें बताई है। तो जो भी लोग फिर से जुड़े अभी उनको बताऊंगा कि फिर आप बाद में उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हो। दोस्तों धन्यवाद मुझे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समय दिया। और दोस्तों आज रात को फिर से हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे और उसमें जयपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले उमेश गोगना सर जो कि हमें वेडिंग फोटोग्राफी में कैसे इक्विपमेंट यूज करना है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी उसके बारे में बताएंगे। तो वंस अगेन धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।